हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्त, अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस योजना शुरू की है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस योजना शुरू की है जिसके द्वारा कैंसर से बचाव किया जा सके। आगे देखिए, नंबर दूसरा है ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किस भारतीय बल्लेबाज को दिया गया है? किसको दिया गया ये बताइए। ऑप्शन ए है श्रेयस अय्यर, बी है मयंक अग्रवाल, सी है ऋषभ पंत, डी है रोहित शर्मा। तो किसको मिला है दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को मिला है ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। ठीक है, आगे देखिए आपका एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टीनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, रवि चोपड़ा, ऑप्शन बी है ईशान किशन, ऑप्शन सी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन डी है पंकज त्रिपाठी। तो किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया गया है? एक है कंपनी जिसका नाम है क्या है, कंटीनो एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एक कंपनी एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कंपनी है। आगे देखिए, फोर नंबर है FICCI कास्केड ने किस तिथि को एंटी स्मगलिंग डे 2022 मनाया है? एंटी स्मगलिंग डे 2022 मनाया है, ये आपको बताना है। 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या 13 फरवरी को? तो आंसर क्या हो जाएगा चौथा का? चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आपका आंसर हो जाएगा बी, 11 फरवरी को मनाया गया है एंटी स्मगलिंग डे 2022 मनाया गया है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुयान सेना का कौन सा एयरक्राफ्ट भाग लेगा? सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुयान सेना का कौन सा एयरक्राफ्ट भाग लेगा? ऑप्शन ए तबर, ऑप्शन बी है तलवार, ऑप्शन सी है तेजस, ऑप्शन डी है कटलेस। तो कौन भाग लेगा ये बताना है। आंसर हो जाएगा तेजस। आंसर जो है सिंगापुर में, जो सिंगापुर में एयर शो 2022 होने वाला है उसमें भारतीय जो है, ये क्या है, भारतीय वायुसेना का तेजस एयरक्राफ्ट भाग लेगा। आगे है सिक्स नंबर, निम्न में से किस किसने सैन्य रक्षेत्रम नाम से हैकथॉन का आयोजन किया है? निम्न में से किसने सैन्य रण क्षेत्रम नाम से हैकथॉन का आयोजन किया है? ऑप्शन देखिए, भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने, सभी ने संयुक्त रूप से। तो आंसर हो जाएगा सभी ने संयुक्त रूप से। ऑप्शन सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मुंगेर जिले में किस नदी पर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए, कोसी नदी पर, बी है मेची नदी पर, सी है गंगा नदी पे, डी है पुनपुन नदी पे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी पे। बिहार के मुंगेर जिले में
गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ठीक है, किसके अध्यक्षता में किया गया ये आपको बताना है। विजय कुमार, ऑप्शन बी है एम जी परमेश्वरम, और सी है जयंत जस, और डी है जी महालिंगम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का जी महालिंगम, आंसर आपका हो जाएगा जी महालिंगम के अध्यक्षता में यह समिति का पुनर्गठन किया गया है। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, किस मोटर उद्योग के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया है? राहुल बजाज जी का निधन हो गया है, तो वो किस मोटर उद्योग से जुड़े थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है टीवीएस मोटर से, ऑप्शन सी आ गया है होंडा से, ऑप्शन बी है बजाज ऑटो से, ऑप्शन डी है आपका ए बी। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है दोस्त, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो से। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा बी ही ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो से, बजाज ऑटो से। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 में गोल्ड बाल अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 में गोल्ड बाल अवार्ड किसे दिया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राय कृष्णा को, इंगोर अंगुलो को, या अरिंदम भट्टाचार्य को, या डी है बी एवं सी दोनों को। तो किसको दिया गया है दोस्तों ये आपको बताना है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या है आपका ए, के राय कृष्णा को दिया गया था। अगला है, आईसीसी ने जनवरी 2022 का प्ले ऑफ द मंथ किसे चुना है? आईसीसी ने जनवरी 2022 का प्ले ऑफ मंथ किसे चुना है? ऑप्शन ए देखिए किंगन पीटरसन को, ऑप्शन बी है डेवाल्ड ब्रेविस को, ऑप्शन सी है हीथर नाइट को, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों को। तो इसमें ऑप्शन जो आपका 11 का हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए और सी दोनों, कीगन पीटरसन को और हीथर नाइट को दिया गया था या चुना गया था। आगे देखिए, रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है कोटा राजस्थान, ऑप्शन बी है भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है किशनगंज दिल्ली, ऑप्शन डी है इंदौर मध्य प्रदेश। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, किशनगंज दिल्ली में स्थापित किया जाएगा कुश्ती अकादमी। एक किसके द्वारा किया जाएगा? रेल मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मई जून 2022 में आयोजित होगा ये आपको बताना है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मई जून 2022 में आयोजित होगा? तो ये ऑप्शन ए है 15वां, ऑप्शन बी है 17वां, ऑप्शन सी है 19वां, और ऑप्शन डी है 23वां। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 13 का आंसर कौन है? बी, 17वां संस्करण होगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को कब तक जारी रखने की अनुमति दी है या मंजूरी दी है? 2021 से 22 तक, बी ऑप्शन है 2022 से 23 तक, सी ऑप्शन है 2025 से 26 तक, और डी ऑप्शन है 2029 से 30 तक। तो कब तक की दिया गया है अनुमति ये आपको बताना है। 14 का आंसर हो जाएगा सी, 2025 से 26 तक। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन,
किस राज्य ने भारत में पहला राष्ट्रीय स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका ए सही हो जाएगा, केरल। केरल राज्य ने, ठीक है, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक सचित्र कॉमिक्स बुक जारी की है? किस मंत्रालय ने इंडियाज वुमेन्स अनसंग हीरोज नामक सचित्र कॉमिक बुक जारी की है? किस मंत्रालय ने, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है खेल मंत्रालय। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृत मंत्रालय ने। आंसर क्या है? संस्कृत मंत्रालय ने। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं? सियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं? ऑप्शन ए है मैक्सिको की, ऑप्शन बी है ग्वाटेमाला की, ऑप्शन सी है हंडुरास की, ऑप्शन डी है निकारागुआ, निकारागुआ की। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 17 का? सी सही हो जाएगा, हंडुरास, हंडुरास की सियोमारा कास्त्रो क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे देखिए 18 नंबर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला हेली हाउ स्थापित करने की घोषणा की है? हेली हाउ स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी है गुड़गांव में, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है लखनऊ में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला हेली हाउ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का? बी सही हो जाएगा, 18 का बी, गुरुग्राम में, ऑप्शन गुरुग्राम सही हो जाएगा। 19 नंबर है, डार्क थान 2022 का पहल का आयोजन किस संस्था ने की है? डार्क थान 2022 पहल का आयोजन किस संस्थान ने की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नारकोटिस कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन बी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सी ऑप्शन है रिसर्च एनालिसिस विंग और डी है बी एवं सी दोनों। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, आंसर दोस्त ए सही हो जाएगा। 20वां नंबर है और आखिरी क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टाटा ट्रेंड्स, टाटा ट्रेंड के नाम से अपने आप को क्या किया है? रीब्रांड किया है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन जो थे यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और दूसरे तक आप शेयर ज़रूर करें जिससे कि कुछ लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों का भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को पूरा देखें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।